हेलो भाइयों, मैं हूं प्रफुल्ल धाकड़। आज हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का VXI प्लस वेरिएंट, जो कि टॉप वेरिएंट आता है। इसमें अपने को तीन वेरिएंट मिलते हैं, LXI, VXI और VXI प्लस। तो ऐसी कुछ इसमें अपने को लुक मिलती है, और ये रेड कलर आप देख रहे हैं। बाकी किन किन लोगों को भाई एस्प्रेसो पसंद है मुझे कमेंट में बताना। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन अगर मैं आपको बताऊं तो भाई मुझे ये गाड़ी अच्छी नहीं लगती, बट लेकिन भाई गाड़ी तो है, सब लोगों की भाई चॉइस अलग अलग होती है, तो किसी न किसी को तो पसंद आ ही जाती है। बाकी ये ब्लू कलर देख रहे हैं आप, ये रेड कलर है। रिमोट की मिल जाती है इसमें अपने को। डायमेंशंस की बात करते हैं तो 35 से 65 mm की इसमें अपने को लेंथ मिल जाती है। वेट की बात करें तो 1520 mm की वेट है। हाइट अगर बात करें तो 1550 mm की इसमें अपने को हाइट मिल जाती है। 2380 mm का व्हील बेस है। बाकी 4.2 मीटर लगभग टर्निंग रेडियस है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसमें अपने। भाई इसके सेगमेंट अगर देखो जाए तो स्विफ्ट में 163 mm मिलती है और इसमें 180 मिलती है। बाकी 165/70R 14 इंच के इसमें अपने को अलॉय व्हील मिल जाते हैं, व्हील कवर के साथ अलॉय व्हील दे देना चाहिए था। बाकी बॉडी कलर ORVM है। फेंडर पर अपने को इंडिकेटर मिल जाता है, ऐसे कुछ हैं वाइपर्स। बाकी यहाँ पे अपन बात करें तो मारुति का लोगो ऐसे कुछ मैट ब्लैक में ग्रिल मिल जाती है, हेलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं इधर पे अपने को इंडिकेटर। बाकी यहाँ पे फॉग लैम्प नहीं मिलते, ऐसी कुछ है इसमें रेडिएटर ग्रिल। अंदर बैठ कर देख लेते हैं, यहाँ पे अपने को ब्लैक कलर के डोर हैंडल मिल जाते हैं, इधर पे स्पेस है, इधर पे बॉटल होल्डर और इधर पे मैगजीन होल्डर मिल जाता है, और इधर पे स्पीकर है। बाकी टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, इधर पे सेंसर डोर का। बाकी इधर से आप रिक्लाइन कर सकते हो बूट, और आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो। इधर लाइट एडजस्टमेंट है, ऐसे इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच है। अंदर बैठ के देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहाँ गया। तो भाई यहाँ पे अपन देखते हैं तो ये गाड़ी में अपने को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता। अरे रुको भाई, यहाँ पे मिलता है, खर्चा करा है भाई, इंपोर्टेड गाड़ी है। तो यहाँ पे अपने को मिलता है 4-spoke स्टेयरिंग व्हील, इधर पे मारुति का लोगो, इधर पे इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स है, म्यूट का बटन है, वॉइस कमांड वगैरह। इन गाड़ियों में भाई वॉइस कमांड का जिस हिसाब से ये बटन देते हैं मेरे को जमता ही नहीं है। इसको कैंसिल करते हैं और इसको प्रेस करेंगे, प्लीज पेयर योर फोन। ये अपना भाई गूगल असिस्टेंस की तरह ये काम करता है। बाकी यहाँ पे अपने को वाइपर और लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अपने को एसी वेंट्स के ब्लोअर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे अपने को मिलता है IRVM, यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है। बाकी सनवाइजर हैं दोनों तरफ, और इसमें अपने को मिरर या टिकट होल्डर कुछ नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे ORVM एडजस्ट कर सकते हो आप। बाकी यहाँ से आप देख सकते हो कौन सा डिवाइस पेयर वगैरह है ये सब। यहाँ से आप एवरेज टाइम डेट, इधर से आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। बाकी इधर से सारी सेटिंग्स हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी, स्क्रोल थ्रो, स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल, लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, व्हीकल अलर्ट, डेट एंड टाइम डिस्प्ले। यहाँ पे अपने को म्यूजिक सिस्टम के पूरे में मिल जाते हैं। यहाँ से आप बेस वगैरह देख सकते हो, यहाँ से आप स्पीकर को एडजस्ट कर सकते हो कौन सा बजाना कौन सा नहीं, यहाँ से आप ये सब चीज़ें कर सकते हो।
ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो आप इधर से पेयर डिवाइस करके कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप दो दो अपने को पावर विंडो मिल जाती हैं, 1000 लाइट के इधर पे बटन है, बाकी इधर पे अपने को एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फैन स्पीड, इधर पे अपने को मोड्स और टेम्परेचर कंट्रोल है, रिसर्कुलेशन बटन है, 12V का पोर्ट है, USB ऑक्स का पोर्ट है, दो कप होल्डर मिल जाते हैं इसमें अपने को, और इधर भी स्पेस मिल जाती है काफ़ी। बाकी 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है, यहाँ पे अपने को मिलता है मैनुअल हैंड ब्रेक, और नीचे भी काफ़ी स्पेस। नहीं भाई ये तो ये थोड़ी एक इसको इम्प्रूव करके ना इधर पे कुछ सपोर्ट दे देना चाहिए तो भाई काफ़ी अपने को स्पेस मिल जाए। बाकी यहाँ पे अपने को स्पेस मिल जाती है, फ़ोन वगैरह रख सकते हो, जो बॉक्स है ऐसा कुछ अपने को मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि भाई ऑल्टो के जैसा है, डिजिटल स्पीड है, बाकी EMI डिस्प्ले में ट्रिप है, ट्रिप भी, एवरेज रेंज, डिस्टेंस टू MT और फ्यूल गेज मिल जाता है, सारे को अलर्ट्स वगैरह पता चल जाते हैं। इसको करते हैं बंद, यहाँ पर देखते हैं तो अपने को मैनुअली एडजस्टेबल विंडो मिलती हैं, इधर पे आप डोर अनलॉक करने का अपने को हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे अपने को स्पेस मिल जाती है, बाकी ऐसी कुछ हैं सीट्स, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट, अपना डैशबोर्ड, हुड को अनलॉक कर लेते हैं, बाकी यहाँ पे अपने को मिलता है हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पे अपने को मिलता है हेलोजन हेड टेल लैंप और रिवर्स लैंप और इंडिकेटर है, मारुति का लोगो, इधर से आप बटन लॉक कर सकते हो, एस्प्रेसो की बैजिंग है, बाकी यहाँ पे अपने को पार्सल ट्रे मिल जाती है, बाकी इधर पे अपने को 278 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, काफ़ी स्पेस मिल जाती है इसमें। अगर भाई इंजन की बात करें तो यहाँ पे अपने को मिल जाता है 1000 CC का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 65 BHP के लगभग भाई इसमें पावर है, 89 Nm का टॉर्क है, बाकी माइलेज की बात करें 22 का इसमें अपने को माइलेज मिल जाता है। और किस किस को भाई एस्प्रेसो पसंद है कमेंट में बताना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, ये गाड़ी उन लोगों के लिए भाई ज़्यादा अच्छी है जैसे आप गांव पे रहते हो, आपको थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए लेकिन आपका बजट थोड़ा कम है तो आप इसको ले सकते हो, बाकी प्राइस वगैरह डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और कुछ जानकारी चाहिए तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूँगा। यही था आज की वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।